यस निशांत दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरे सामने अभी फ्रॉन्क्स खड़ी है, ये इसका डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट है जिसमें आपको कीज इस टाइप की मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक और इसमें कोई कीलेस एंट्री वाला फंक्शन नहीं होता। इसमें स्मार्ट की मिलती है आपको, वो इस वेरिएंट में नहीं मिलती, ठीक है। तो ये है थर्ड वाला वेरिएंट आता है, सिग्मा आता है, उसके बाद डेल्टा आता है, फिर आता है डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस में एक्स्ट्रा क्या फीचर्स मिलेंगे आपको, आपको वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रंट से देखोगे तो यहाँ पर आपको DRLs मिल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट्स मिल जाएंगी और फ्रंट में ऐसे क्रोम का थोड़ा सा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, जो ये तो सारे वेरिएंट्स में आपको मिलता ही है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं जो फ्रंट से आती हैं इसमें। लेफ्ट साइड में देखोगे यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे सिंगल कोटिंग में ब्लैक कलर में। टायर साइज़ जो है आपको वही मिलेगा 16 इंच वाला, 195/60 R16 आपको टायर साइज़ में मिलता है। साइड व्यू में RPMs आपको जो है बॉडी कलर्ड मिलेंगे, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर मिल जाएंगे, यहाँ कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कोई आपको यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता। ऊपर रूफ रेल्स आ जाएंगे और जो इसके जो शीशे हैं वो आपको वैसे ही मिलता है नॉर्मल, कोई इसमें जैसे नेक्सा में ग्रीन कलर के आते हैं ना यूवी कट, वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। और रियर प्रोफाइल में आप देखोगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लाइट्स मिल जाएंगी आपको, जो इसके सारे पेरेंट्स में आती है इसमें, और ये LED टेल लाइट्स हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पर आपको पीछे डिफॉगर्स आपको मिल जाएंगे, शार्क फिन एंटीना होगा, ये आपका पीछे का पूरा रियर लुक है इसका। लेफ्ट साइड में सेम वही है आपका, जो कोई इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है सर। बाकी इंटीरियर में एक बार कवर कर लेते हैं, इंटीरियर में आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा तो क्या है, मतलब इंटीरियर कैसा है डेल्टा प्लस का, अगर आपको वो देखना वो देख लो। ये आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई आपका फैब्रिक वर्क है पूरा, और ये आपका यहाँ पे प्लास्टिक है पूरा, हार्ड प्लास्टिक। चारों पार विंडोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे लॉक अनलॉक का है, जैसे विंडोज़ आपको लॉक अनलॉक रखनी है। डोर्स लॉक अनलॉक का फंक्शन है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो आप RVMs को यहाँ से। सीट्स आपको नॉर्मल, कोई हाइट एडजस्टेबल्स नहीं मिलती हैं, नॉर्मल रिक्लाइन सीट्स होंगी, और इसको यहाँ से आप पीछे आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं इंटीरियर में एक बार, ये इसका इंटीरियर आता है, मैं एक बार की लगा लूँ, गर्म हो रखी है धूप में। ब्रेक दबाने के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है जी। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, AC लो जी। तो स्टेयरिंग व्हील आपको नॉर्मल ऐसे डी कट वाला मिलता है जो मारुति में हर गाड़ियों में आ ही रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। टिल्ट ओनली, टिल्ट टेलीस्कोपिक नहीं आता डेल्टा में, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप का स्विच है, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, हेडलाइट लेवलर है, ठीक है। इस तरफ ये है, बाकी जो AC वेंट्स में आपको नॉर्मल सिल्वर गार्निश मिलती है, यहाँ पे भी सिल्वर है, ये भी है, सेम वही है। डुअल टोन इंटीरियर में आपको मिलेगा, सीट्स में ये कोई सीट कवर्स नहीं है, ऐसे ही आपको सीट्स जो है इसमें मिलती है। और यहाँ पे आपको जो है कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाएगा। लाइट्स कुछ इस टाइप से होगी, कम कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये है मैनुअल IRVM मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील पे आपको कोई म्यूजिक कंट्रोल्स आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, बाकी कॉल पिक एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल और ये है आपके हेडलाइट के कंट्रोल। ये AGS वाला वेरिएंट है जो उसमें आता है ऑटो गियर शिफ्ट वाला। AC में आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, वो तो स्टैंडर्ड, आपको सारे वेरिएंट्स में आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC ही मिलता है फ्रॉन्क्स के। स्क्रीन आपको मिल जाएगी इसके अंदर, इसमें क्या कहते हैं वायरलेस तो नहीं, वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का आपके अंदर चला सकते हो, ठीक है। बाकी मैं सीट एडजस्ट कर लेता हूँ अपने ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से, ताकि आपको रियर स्पेस भी आपको दिखा सकूँ। बाकी MID का रह गया, MID में आपको तो नॉर्मल वही चीज़ें मिलती हैं जो नॉर्मल हर गाड़ियों में आती ही आती हैं। किलोमीटर्स यहाँ पे आपको दिखाएगा और 10,000 के अराउंड चल चुकी है गाड़ी। ये ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, और यहाँ से आपको ये दिखाता है कि एवरेज क्या दे रही है कार। यहाँ रेंज दिखाता है, किलोमीटर्स पर लीटर आपको दिखाएगा, यहाँ पे एवरेज दिखाएगा, बस ये फंक्शन है। बाकी ये टैकोमीटर्स हैं, यहाँ पे स्पीडोमीटर है, बीच में एक छोटी सी MID आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन के लिए। बीच में आपको ये USB पोर्ट है, और ये आपको 12V का सॉकेट है एक, ये कप होल्डर्स हैं, एक ये कप होल्डर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे छोटा सा आपको स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी एक बार पीछे चलते हैं, पीछे का आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ क्या है। भाई सब ये पीछे का व्यू है, यहाँ पे भी ऐसी सॉफ्ट टच आपको वैसे ही मिलेगा, फैब्रिक वर्क है पूरा। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, चारों पावर विंडोज इसके अंदर आती हैं, आपको बताया था। ये भाई ये स्पेस आ गया पीछे का, ठीक है यार, मतलब ज़्यादा ये वो भी नहीं कह सकते कि मतलब एवरेज है, इतना भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट इस कार के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एवरेज स्पेस वाइज। पीछे आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, कोई AC वेंट पीछे नहीं आता। यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज है, जो भी है यहाँ पे, जो भी आर्मरेस्ट वगैरह आता है इसके ऊपर वाले वेंट्स में,
लेकिन इसमें नहीं है। और तीनों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और चारों ग्रैब हैंडल्स हैं, पीछे एक कैबिन लाइट आ जाएगी यहाँ पे, ये ऐसे हैं। अब दिखाता हूँ बोर्ड स्पेस आपको, और ये है इसका बूट स्पेस, 310 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको मिलता है। जो सीट्स है 60-40 आप कर सकते हो, फोल्डेबल सीट्स हैं। और ये सीट्स ना मैं बताना भूलिए, आपको रिक्लाइन भी होती हैं सीट्स, अगर आप इनको रिक्लाइन करना चाहते हो। हाँ ये है, अब इसको और मैक्सिमम पीछे की तरफ आप कर सकते हो, यानी हो नहीं रही है अभी। बाकी टूल किट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसका जैक वगैरह यहाँ पे पड़ा होता है, मतलब स्पेस अच्छा इन्होंने करा है यहाँ पे टूल किट के लिए, अदरवाइज नीचे यहाँ पे पड़े होते हैं। ये आ गया इसका स्टी स्पेयर व्हील, बाहर इसमें आपको मिलते हैं 16 इंच, लेकिन इसमें भी आपको सेम साइज़ का ही मिलेगा, 195/60R16 सेम साइज़ का ही है, ठीक है। बाकी भाई डेल्टा प्लस में यही है, अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए हो कार से रिलेटेड, फ्रॉन्क्स की या मारुति की कोई भी कार से रिलेटेड चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में पिंग करके एक बार मेरे को बता देना, उस वेरिएंट पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के ले आऊँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।